और बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां कव्वाली के कार्यक्रम में जमकर कुर्सियां चली हैं। बैठने को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद जमकर कुर्सियां चली। विवाद के बाद लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कुर्सियों का ये दंगल अब वायरल हो रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव व्यू। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हरिद्वार में कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया था। माहौल खुशनुमा था, यहाँ पर शानदार तरीके से पूरा कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन अचानक देखिए क्या हुआ यहाँ पर, किस तरह से माहौल बदला, तस्वीर बदली। बैठने को लेकर दरअसल विवाद की शुरुआत हुई, पूरे कुर्सी को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद लोग किस तरह से आमने सामने होगा, एक दूसरे की ओर से एक दूसरे को जमकर उठाकर कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई। सभी लोगों के हाथ में यहाँ कुर्सियां आपको नजर आएंगी और देखिए एक दूसरे पर किस तरह से कुर्सी से वार लोगों की ओर से किया गया। बैठने को लेकर पूरे विवाद की शुरुआत हुई और जमकर इसके बाद कुर्सियां यहाँ पर चली एक दूसरे पर। तस्वीरें एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं आप, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कुर्सियों का ये दंगल वायरल हो रहा है। हरिद्वार से पूरा मामला आया सामने। कव्वाली का कार्यक्रम देखिए किस तरह जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया। बैठने को लेकर विवाद की शुरुआत और विवाद किस तरह से बदला, ये देखिए कुर्सी उठाकर सभी लोगों की ओर से एक दूसरे पर फेंकी गई। भारी भीड़ वहां पर लोगों की इकट्ठा हो गई, तमाशा बड़ी संख्या में लोग देखते रहे और पुलिसकर्मी भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। रोकने की कोशिश इस पूरे विवाद को की गई, पुलिस की ओर से लाठी भी कुछ लोगों पर भांजी गई, लेकिन लोग यहां मानने को तैयार नहीं हुए, एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां उठा उठा कर पटकी गई। तस्वीरें एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं आप। मामूली सी बात, बैठने को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद गुस्सा इस कदर लोगों का यहाँ पर निकला कि एक दूसरे पर कुर्सी उठाकर पटकी गई। चारों ओर अब कुर्सियां ही फैली आपको नजर आएंगी तस्वीरों में। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस पहुंची, पुलिस ने लाठी डंडों का सहारा लेकर लोगों को वहां से खदेड़ा, उन लोगों को भगाया जो कि कुर्सी एक दूसरे पर उठाकर पटक रहे थे। सोशल मीडिया पर कुर्सी दंगल की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। देखिए कैसे कुर्सियां उठाकर बरसाई गई एक दूसरे पर, सभी लोगों के हाथ में आपको कुर्सियां नजर आएंगी। बैठने को लेकर पूरे विवाद की हुई थी शुरुआत, शांतिपूर्वक तरीके से पूरा कार्यक्रम चल रहा था, माहौल खुशनुमा था, लेकिन विवाद छोटा सा होता है बैठने को लेकर और उसके बाद जंग के मैदान में ये कार्यक्रम जो था, ये जो एरिया था वो पूरी तरह से तब्दील हो गया। तस्वीरें एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं आप। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी वहां पर कव्वाली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लोग वहां पर पहुंचे थे, लेकिन मामूली सा विवाद बैठने को लेकर, कुर्सियों की दरअसल वहां पर कमी कुछ नजर आई, लोग ज्यादा थे और बैठने को लेकर ही पूरे विवाद की शुरुआत हुई। लोगों की ओर से एक दूसरे पर कुर्सियां जमकर बरसाई गई, सभी के हाथ में तस्वीरें देखेंगे आप, कुर्सियां नजर आएंगी आपको। देखिए ये तस्वीरें देखिए, सभी लोगों की ओर से हाथ में कुर्सियां उठाकर एक दूसरे पर जमकर पटकी गई। कुछ लोग पीछे हो गए इस विवाद से पूरे, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हुए। पक्ष दरअसल यहां आपस में बट गए, एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के लोगों पर जिनके बीच विवाद हुआ था कुर्सियां उठाकर फेंकी गई। हाथापाई भी देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में। तुरंत पुलिस भी चुकी वहां पर, मौजूदगी भारी संख्या में लोगों की थी, पुलिस बल की भी तैनाती वहां पर पहले से ही थी। पुलिस तुरंत पहुंची, लाठी का इस्तेमाल पुलिस की ओर से किया गया इन लोगों को रोकने के लिए, पूरे विवाद को शांत कराने के लिए। पुलिस की ओर से जब लाठियां भांजी गई उसके बाद जाकर ये लोग माने और शांत हुए। हरिद्वार से ये तस्वीरें आई हैं सामने, कव्वाली का कार्यक्रम यहाँ चल रहा था जहां पर कुर्सियां जमकर चली, बैठने को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद लोग आमने सामने हो गए, कुर्सियां उठाकर एक दूसरे पर पटकी गई। पुलिस वहां पर जब पहुंचती है तब जाकर ये लोग शांत होते हैं और मानते हैं। उससे पहले क्या तस्वीर थी देखिए आप, एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं आप तस्वीर, हरिद्वार से आई है सामने, जमकर कुर्सियों से वार एक दूसरे पर किया गया। ना सिर्फ कुर्सियां उठाकर फेंकी गईं, बल्कि कुर्सियों से वार किया गया, कुर्सी से मारने की घायल करने की दूसरे लोगों को कोशिश की गई। तुरंत पुलिस पहुंचती है वहां पर, उसके बाद जाकर ये लोग शांत होते हैं। जब पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया गया, लाठी डंडों से इन लोगों को खदेड़ने की कोशिश हुई। हमारे साथ फोन लाइन पर नरेश जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता नरेश, कहां से हुई थी पूरे विवाद की शुरुआत? देखिए ये हरिद्वार के ही उपनगरी ज्वालापुर है, ज्वालापुर में मुस्लिम क्षेत्र है, यहाँ पर जश्न
कव्वाली का कार्यक्रम रखा गया था उसके मौके पर, यहाँ पर कुर्सियाँ तो कम थी लेकिन कव्वाली को सुनने के लिए आने वालों की संख्या ज्यादा थी। इस बात को लेकर कुर्सियों पर बैठने को लेकर वहाँ काफी धक्का मुक्की हुई लोगों के बीच में, देखते देखते वहाँ कुर्सियाँ चलने लगी, एक दूसरे पर हाथापाई दी। जब स्थिति ज्यादा विकट हो गई तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सबको पितर बितर किया और मामले को शांत कराया, लेकिन पुलिस अभी भी कहते जिन लोगों ने इस तरह का उपद्रव किया है या कुर्सियाँ एक दूसरे के ऊपर मारी है और माहौल को खराब किया, उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।